नमस्कार दोस्तों, मैं VS गांधी और आप देख रहे हैं गांधी टैक। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों ओवरलोड रिले के बारे में, ठीक है, यानी कि दोस्तों OLR। आपने दोस्तों ये स्टार्टर में, आपने सभी स्टार्टर में दोस्तों ये आपको मिलेगा देखने के लिए। दोस्तों इसको क्यों यूज़ करते हैं, ये क्या काम करता है, किस प्रकार से वर्किंग करता है, इसके बारे में हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। दोस्तों जब हमारी मोटर होती है, वो आपकी मोटर में इस प्रकार का आपने देखा होगा एम्पियर मीटर लगा होता है, यानी कि एम्पियर मीटर आपका, यानी कि 25 एम्पियर आपकी मोटर लेती है, ठीक है, 25 एम्पियर आपकी मोटर लेती है। तो दोस्तों अगर उससे अधिक आपकी मोटर जैसे 50 पे पहुंच गए एम्पियर पे, उस कंडीशन में आपकी जो ओवरलोड रिले होती है अगर नहीं लगी होगी तो दोस्तों आपकी जो मोटर होती है उसकी जो अंदर की जो कोयल होती है, यानी कि मोटर हमारी जल जाएगी, यानी कि कोयल होती है वो सारी ख़त्म हो जाएंगी जल के। तो इसलिए दोस्तों हमें सुरक्षा के लिए, यानी प्रोटेक्शन जो मिल सके, उसी कंडीशन में दोस्तों हम इस रिले को यूज करते हैं। ये रिले दोस्तों क्या काम आता है ये आपको समझा देता हूँ। दोस्तों ये ओवर लोड रिले होता है, यानी कि इसमें थर्मल लगा होता है, जो हमारे जो ये जो हाई एम्पियर होता है, यानी कि वोल्टेज वगैरह कुछ भी होता है करंट, उसको ये दोस्तों डिक्रीज कर देता है, यानी कि वो रोक लेता है उस करंट को आगे जाने से, ठीक है। और उस कंडीशन में दोस्तों जो हमारा ये RRY V फेस है, यानी कि L1 L2 L3 जो भी लाइन है दोस्तों, वो इसमें अंदर नहीं जाती, यानी कि दोस्तों इसके अंदर पत्तियाँ लगी होती हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, अगर ये दिख जाएगा तो, अगर नहीं दिख रहा दोस्तों कोई बात नहीं, इसको खोलना पड़ेगा। तो इसके अंदर ऐसा पत्तियाँ लगी होती हैं, उस पत्तियों से दोस्तों जो हमारी जो लाइन है दोस्तों यहाँ पे जाती है, यानी कि स्टार पे, यानी कि दोस्तों ये जो कॉन्टेक्टर हैं स्टार पे जाती है, यानी कि ये हमारा जो हो गया दोस्तों B1 C1 C2 वगैरह A1 B1 C1, ठीक है, इस प्रकार से हो गया, ठीक है, जो हमारी जो इसको कंट्रोल करने से रोक लेती है, ठीक है। जो ये दोस्तों आपने देखा होगा ये थर्मल में लगा होता है, यानी कि 20 एम्पियर 25 एम्पियर इस प्रकार से। दोस्तों इसको हम जिस प्रकार से इसको घुमाएंगे, ठीक है, इसके अंदर एक नोक बनी होती है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप अच्छे से देखिए जाएगा, बीच में एक नोक बनी होती है, वो हमारा ये करेगा दोस्तों इस पर कहाँ पर ऐड, यानी कि ये 25 एम्पियर पर सेट हुई है, जो हमारी मोटर जो 25 एम्पियर पे लेती है, यानी कि 20 एम्पियर लेती है, 25 एम्पियर तक का करंट इसको रोक सकता है। उसका अधिक जाएगा दोस्तों तो हमारी जो ओवरलोड रिले है यहाँ से डिक्रीज कर देगा, और जो हमारा करंट है यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, यानी कि हमारी स्टार में मोटर बंद हो जाएगी, जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है वो बंद हो जाएगा। जब मेन कॉन्ट्रैक्टर दोस्तों आपका बंद हो जाएगा तो उस कंडीशन में आपका स्टार कॉन्ट्रैक्टर और डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर कोई सा भी वर्क नहीं करेगा, और हमारे मोटर में जो करंट जाना चाहिए वो करंट कोई सा भी नहीं जाएगा। उस कंडीशन में आपकी जो मोटर होती है दोस्तों वो सेफ रहती है, यानी कि उसको फुल सुरक्षा मिल जाती है इस कंडीशन में, ठीक है। इसीलिए दोस्तों हम ओवरलोड रिले को यूज़ करते हैं। ओवरलोड रिले को आप इस प्रकार से सेट कर सकते हैं, यहाँ से आपको इस ये स्क्रू ड्राइव लगाना है, और इसको हम किस प्रकार से सेट करना है उस प्रकार से इसको हम सेट कर सकते हैं, ठीक है, जितना भी आपको एम्पियर चाहिए उसके हिसाब से, यानी कि इस पर लिखा हुआ है जो 20 एम्पियर 24 एम्पियर है ना, 28 32, जितना भी दोस्तों इस पर एम्पियर देखेंगे आप, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। आप उसको कहाँ पर ऐड करना चाहते हैं वहाँ पर आप इसको सेट कर सकते हैं। दोस्तों ये ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें बताने के लिए, ये बहुत ही इजी है। ओवरलोड रिले के बारे में दोस्तों मैं ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूँ, जिसमें आपको बताया है मैंने किस प्रकार से ये वर्किंग करता है, ठीक है। इसके बीच में दोस्तों ये देखें, आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये लगा होता है, आपको खोल के दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं एक बार। तो देखिए दोस्तों मैंने ये मतलब प्लेट इसकी हटा दी है, अंदर से जो कवर लगा होता है ये हटा दिया है। इसके अंदर देखिए ये पत्तियाँ लगी होती हैं दोस्तों, ये पत्तियाँ, इस पत्तियाँ क्या होती है दोस्तों, ये आपस में इस प्रकार से ऐड होती है, ठीक है। और जो यहाँ से जो हमारा L1 L2 L3, यानी कि RYB जो इधर जाता है स्टार में, यानी कि स्टार का ये टर्मिनल देख रहे हैं आप, स्टार के यहाँ जाता है, ठीक है। जब इसको हमारे ओवरलोड फालतू मतलब एक्स्ट्रा में जाता है, यानी कि एम्पियर एक्स्ट्रा जाता है, तो इस प्रकार से इसको पुश कर देते हैं और ये पत्तियाँ आपस में फैल जाती हैं और यहाँ पर इसको रोक लेती है, ठीक है। इस प्रकार से कुछ इसका वर्किंग होता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों, इस प्रकार से ये इसको हम लगाते हैं, और उस कंडीशन में दोस्तों जब ये फैल जाता है तो हमारा जो ये RYB है जो इधर नहीं जाता स्टार में, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से कुछ इसका वर्किंग होता है। दोस्तों जब हमारी मोटर को हम स्टार में चलाते हैं, यानी कि ग्रीन स्विच से चलाते हैं, तो हमारा जो RYB है यहाँ पर आता है, डेल्टा में चलाते हैं तो दोस्तों RYB हमारा इस फेस पे भी आता है यहाँ पे भी, ठीक है, यानी कि A2 B2 C2 पे इस पे भी आता है, स्टार में दोस्तों A1 B1 C1 पे आता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।